साथियों, आपका मेरे चैनल माय किचन गार्डन में स्वागत है। वीडियो खास होने वाला है। आज मैं करेले के बारे में जानकारी दूंगा, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को ज़रूर प्रेस करें। हर एक सब्ज़ी का अपना अपना टाइम होता है। मौसम की सब्ज़ियाँ ही स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। करेले को हम साल में दो बार उगा सकते हैं, जनवरी और फरवरी में बोने पर ये मई और जून में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। जून जुलाई में बोने पर ये अक्टूबर और नवंबर में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। करेला एक बहुत ही गुणकारी सब्जी है। इसमें ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की क्षमता है, खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करता है। इसमें फाइबर ज़्यादा होने की वजह से यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भी पाया जाता है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के बीज उपलब्ध हैं, जैसे पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2। इसके अलावा और भी कंपनियां बाजार में अच्छा अच्छा बीज उपलब्ध करा रही है। मैंने करेले के बीज को घर पर ही तैयार करके रखा है। ये देखिए आप, करेले का बीज 15 डिग्री से 25 डिग्री तापमान में जर्मिनेशन हो जाता है। गर्मियों में 10 से 15 दिन और सर्दियों में 25 से 30 दिन में जमता है। बीज को कम समय में अंकुरित करने का तरीका मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। करेले के बीज में अंतर यह है कि यह ज़्यादा हार्ड होता है। पहले इस बीज के नुकीले सिरे पर कट लगाना पड़ता है, उसके बाद 24 घंटे पानी में भिगाना पड़ता है। ये देखिए आप, आज मैं सिर्फ 4 बीज को ही भिगा कर दिखाता हूँ। आज 8वां दिन है। मैंने बीज डब्बे से बाहर निकाले और देखिए आप, चारों के चारों बीज की जड़ें जर्मिनेट हो गई हैं, रेडिकल्स निकल गए हैं। अब मैं इनमें से 2 बीज एक गमले में डालूंगा। गमले में मिट्टी पहले से तैयार करके रखी हुई है। मिट्टी, गोबर की खाद, कोकोपिट और रेत चारों बराबर मात्रा में मैंने मिला के रखा हुआ है। अब मैं अंगुली से जगह बना के 2 बीजों को जड़ वाला भाग नीचे की तरफ करते हुए गमले में डाल रहा हूँ। ये देखिए आप, इसके बाद हल्का पानी डालकर इसको 3 दिन तक छाया में रखूंगा। आज 4था दिन है। दोनों बीज अंकुरित हो गए हैं, 2-2 पत्तियां निकल गई हैं। एक पौधा लगभग 2 इंच ऊंचा हो गया है और दूसरा 1 इंच के लगभग है। अब मैं इनको धूप में रखूंगा ताकि पत्तियां अपना भोजन खुद ही बना सके। साथियों, 4 पत्ती निकलने के बाद मैंने इस पौधे को ट्रांसप्लांट किया था अपने ही गार्डन में। देखिए कितना बड़ा हो गया पौधा। आज इसको 20 दिन हो चुके हैं। आप लोग बड़े गमले या कंटेनर में भी इसको ट्रांसप्लांट करके उगा सकते हैं। साथियों, मैंने ये 2 पौधे रोपण किए थे, आज ये 40 दिन के हैं। देखिए कितने बड़े हो गए हैं, हरे भरे। इनमें कोई कीड़ा भी नहीं है, न तो पत्ते के सुलटी तरफ और न ही उल्टे तरफ। अभी मैं इनकी 2G कटिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में बताऊँगा। 2G कटिंग के लिए पौधे के सिर वाले हिस्से को इस प्रकार से तोड़ दें, दूसरे का भी। अब पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसकी टहनियों के बीच से छोटी छोटी ब्रांचें आएंगी और पौधे को ज़्यादा फैलाव देगी, और उन ब्रांचों पर जो कटिंग होगी उसको 3G कटिंग कहते हैं। साथियों, 2G और 3G कटिंग के फ़ायदे इस प्रकार से हैं। इसमें पौधे का फैलाव ज़्यादा होता है, टहनियाँ ज़्यादा निकलती हैं, नर और मादा फूल ज़्यादा निकलते हैं और ज़्यादा सब्जियाँ लगती हैं। ऊपर की मिट्टी सूखने के बाद इसमें पानी देना चाहिए और गोबर की खाद हर 2 महीने में एक बार पौधे को देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग होगी और ज़्यादा फल मिलेंगे। साथियों, ये कीड़ा जो है किसान का मित्र कीड़ा है, इसको कभी भी नुकसान न पहुंचाएं। ये कीड़ा बहुत ही लाभदायक कीड़ा है, इसको कभी नहीं मारना चाहिए। ये मिट्टी को पोली बनाता है। साथियों, पिछले वीडियो में कुछ दर्शकों का सवाल था। सबसे पहला मंजू सिंह जी का कि एक्जोरा प्लांट में के पत्ते पीले हो गए हैं और उसके लिए हम क्या करें। तो बहन जी, मेरा एक सुझाव है कि आप जो है गमले को खाली करें, जड़ों को देखें। अगर जड़ें ज़्यादा हैं तो उनकी प्रूनिंग करें, अगर जड़ें कम हैं तो उनको न छेड़ें। उसके बाद मिट्टी को बदली करें, उसमें बराबर मात्रा में गोबर की खाद
या कोकोपीट, रेत और मिट्टी को मिलाकर सुखा कर डालें। उसके बाद लास्ट में एक चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल के मिलाएं और दोबारा पौधे को रोपण करें और 10 दिन तक छाया में रखें पौधे को, पत्तियां हरी हो जाएंगी। धन्यवाद। दूसरे दर्शक हैं सुमन राठी जी। बहन जी का सवाल है कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है। मेरा भी आपसे यही अनुरोध है कि आप एप्सम सॉल्ट एक चम्मच डालकर ज़रूर आपके पौधे पर फ्लावरिंग आएगी। साथियों, मेरा वीडियो कैसे लगा? जो पुराने दर्शक हैं वो ज़रूर कमेंट्स और शेयर करें, और जो नए दर्शक हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में कुछ ज़रूर लिखें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।